खासदार इम्तियाज जलील साहब के आदेश पर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हमारी टीम, हमारे नासिर सिद्दीकी साहब, हमारे कॉर्पोरेटर आरिफ हुसैनी साहब, इसाक हाजी साहब, हमारे मुंशीवा पटेल, हम लोग जो है तो आज कमिश्नर साहब से मुलाकात के लिए आए थे। कमिश्नर साहब से मिलने का मकसद ये था कि दो दिन पहले जो घाटी हॉस्पिटल के अंदर रात में 12 बजे से लेकर सुबह 12 बजे के बीच में जो O2 ऑक्सीजन गैस ख़त्म हो गई थी, जो इनके पास ऑक्सीजन ख़त्म हो गया था, उसके ताल्लुक से हम लोग यहाँ पर मीटिंग के लिए आए थे। विषय हमारा ऐसा है कि दो दिन पहले रात में 12 बजे घाटी हॉस्पिटल के अंदर जो मेन बिल्डिंग है, जो सर्जिकल बिल्डिंग है और जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है, वहाँ पर O2 ऑक्सीजन गैस ख़त्म हो गया था। पूरे हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत की, जो वहाँ का नर्सिंग स्टाफ था उन्होंने मेहनत की, बेचारे सिलेंडर लेके भाग रहे थे पूरे घाटी के अंदर। मगर हमारा मुतालबा ये है, हमारी मांग ये है कि घाटी हॉस्पिटल जो पूरे ज़िले का अपना सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और इस ऐसे हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन गैस ख़त्म हो सकती है, ये कितनी बड़ी लापरवाही है। ये घाटी एडमिनिस्ट्रेशन की और ये डीन की कितनी बड़ी लापरवाही है, आप इससे तसव्वुर करिएगा कि इनसे इनको जो है तो इंसानों की जान की इनके पास क्या कीमत है कि ऑक्सीजन गैस ख़त्म हो जाती है और ये सोते रहते हैं। सुबह में ऑक्सीजन गैस के लिए ये लोगों ने भगदड़ की और 11:30 के टाइम पर वहाँ पर ऑक्सीजन गैस पहुँच गई थी। मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये आरोप है, और हम खुलकर जो है तो CP साहब के पास भी ये कंप्लेन करें कि आप घाटी एडमिनिस्ट्रेशन, घाटी डीन के ऊपर FIR दर्ज करिए और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करके जो भी इसके ऊपर कार्रवाई हो सकती, जो इसका मुजरिम है जिसकी वजह से ऑक्सीजन गैस ख़त्म हुई, उसके ऊपर आप FIR दर्ज करके आप उनके ऊपर गुनाह दाखिल करिएगा। अगर आप गुनाह दाखिल नहीं करेंगे और अगर आप इसको जो है तो लाइटली लेंगे, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी जो है तो स्टाइल में इसके ऊपर आगे जो है तो धरना आंदोलन इंशाल्लाह करेगी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, और औरंगाबाद अपडेट्स को देखते रहिए, फॉलो कीजिए, पढ़ते रहिए। मुबारकबाद देता हूं मैं औरंगाबाद अपडेट्स को, पढ़ते रहिए। हाय, दिस इज एंकर MC माधुरी सांची, और देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट्स, एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारा चैनल औरंगाबाद अपडेट्स।